सलामुअलैकुम, मैं हूँ सबा और आप देख रहे हैं किचन विद सबा। आज मैं बना रही हूँ आलू चावल। आलू चावल बनाने के लिए मैंने 4 आलू लिए हैं, जिन्हें मैंने इस तरह से कट कर लिया है। 4 टमाटर लिए थे, जिसे मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। 3 अदद हरी मिर्च ली है। 4 ही मैंने मीडियम साइज के प्याज लिए थे, जिसे मैंने इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिया है। 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट लिया है। कुछ मसाले लिए हैं, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून मैंने लौंग मसाला लिया है शान का, 1/2 टीस्पून पिसा गरम मसाला, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरा। कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं मैंने, दालचीनी, लौंग, तेज़पात। हसबे ज़रूरत मैंने ऑयल लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो जाए फिर हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज को हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। 3 पाव मैंने चावल लिए थे, चावल हमने भिगो दिए, तकरीबन 20 मिनट हो गए। प्याज हमारा फ्राई हो रहा है। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें लहसुन शामिल कर देंगे और इसे भी फ्राई कर देंगे, हल्का सा भून लेंगे इसे भी। साथ ही इसमें हम गरम मसाला शामिल कर देंगे। टमाटर शामिल कर देंगे। अब मैं इसमें सारे स्पाइसेस शामिल कर दूंगी, हरी मिर्च, और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे से भून लिया है, अब मैं इसमें आलू शामिल कर दूंगी। आलू को भी हम अच्छी तरह भून लेंगे। आलू को भी मैंने अच्छी तरह भून लिया है, अब मैं इसमें 1 ग्लास पानी शामिल कर दूंगी। 1 ग्लास मैंने पानी शामिल कर दिया है और इसे मैं लो फ्लेम पे रख दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि हमारे आलू हाफ कुक हो जाएं। आलू हमारे हाफ कुक हो चुके हैं, अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावलों को ऐसे फैला देंगे। अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी। पानी मैंने इसमें इतना शामिल किया, चावल से थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा। अब मैं इसे कवर करके रख दूंगी। आधे घंटे के लिए हम कवर कर देंगे। लो फ्लेम पे हम आधा घंटा रख देंगे, स्टीम पे हमारे राइस कुक हो जाएंगे। चावल हमारे रेडी हो गए हैं, मिक्स कर लूँगी इनको मैं। आलू चावल हमारे रेडी हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।